करें तो उसमें आपसे किसी ना किसी सेट में आपसे एक क्वेश्चन तो फिक्स ही होता है, इससे पूछेगा ही पूछेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर से होगा या ट्रेंगल से होगा या रेक्टेंगल से होगा, ठीक, वो डिपेंड करता है कि किसी में स्क्वायर पूछ दिया तो किसी में ट्रेंगल पूछ देगा किसी सेट में, ठीक। तो वो तो क्वेश्चन सेट करने वाले पे डिपेंड करता है। तो आज काउंटिंग फिगर में हम पढ़ेंगे क्या कि स्क्वायर को कैसे काउंट करें, अगर नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाए आपसे काउंट करने के लिए तो उसे आसानी से कैसे जल्दी से जल्दी काउंट कर ले। और जो भी क्वेश्चन इसमें आता है आपके सामने, वो एग्जाम में हमेशा आपका ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं उसे सॉल्व किए हो, अगर प्रैक्टिस किए हो काउंटिंग फिगर के चैप्टर पे, तो ऐसा लगेगा किसी ना किसी चैप्टर में या कहीं किसी टेस्ट सीरीज में या कहीं इसे किसी एग्जाम में देखें सेम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते रहते हैं। अगर इसमें नया क्वेश्चन बनाएगा ना तो तुम लोग वहां पे कर नहीं पाओगे, तो उसे तुम्हें छोड़ना ही पड़ जाएगा क्योंकि उसमें बच जाओगे, खासकर ट्रेंगल में, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर तो गिन ले जाओगे, मगर ट्रेंगल का कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर बना दिया तो फिर वहां बच जाओगे और एक क्वेश्चन के चलते में पूरा का पूरा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा कई नंबर का। तो इसलिए जहां लगे कि हाँ ये ट्रिक पे जल्दी काउंट हो जा रहा है वहां पे इसे आजमाना, इस क्वेश्चन को कर लेना। तो आज हम स्क्वायर पे बात करेंगे कि काउंट कैसे करें स्क्वायर को। इसमें आपको टाइप पहला में बताऊंगा कि जो टाइप पहला है हमारा इसका फर्स्ट टाइप, अगर किसी भी कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है अगर इसका रो और कॉलम, ठीक है, दोनों अगर बराबर है तो वो टाइप वन होगा, ठीक। तो इसमें जैसे मैं सिंगल में बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल लेके ये बना रहा हूं, एक स्क्वायर है, ठीक, तो इसे तो गिन लेते हो कि हाँ एक है। अब इसमें मैंने एक प्लस साइन लगा दिया, ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, ये आपका रो कॉलम में डिवाइड हो गया। किसे कहते हैं रो, ये आपका हो गया रो, जो इस तरह से रो में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये रो होता है, और कॉलम क्या होता है आपका, ये कॉलम होते हैं, ठीक है। तो यहां से ये वाला जो होंगे, ये जो होगा आपका क्या होगा, कॉलम होगा, ये भी आपका कॉलम होगा, तो एक कॉलम दूसरा कॉलम हो गया और एक कॉलम एक रो और ये दूसरा रो हो गया, रो टू हो गया, ठीक है। तो ये रो होता है और ये ऊपर वाला कॉलम होता है। तो यहां कैसी मैट्रिक्स है ये, मैंने जो बताया पहला टाइप में आपको ये बता रहा हूं कि जहां आपका रो और कॉलम दोनों इक्वल हो, मतलब जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। अगर यहां पे देखो दो कॉलम है, एक और दो तो दो रो भी है, तो ये क्या टाइप वन टाइप का एग्जाम्पल है। जैसे ये फिगर में बना रहा हूं, एक दो, ठीक है, इसमें क्या एक दो तीन, और यहां एक दो तीन, कॉलम भी आपका तीन है, एक दो तीन, और रो भी आपका क्या है, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, तो ये भी किसका है, टाइप वन है। तो टाइप वन में होता क्या है बेसिकली, मैं आपको बता दूं कि जब भी आपसे एक सिंगल फिगर दे दे ऐसे और आपसे पूछे कि स्क्वायर बताइए इसमें कितना है, तो आप गिन लोगे क्योंकि ये आसान सा फिगर है, बता दिए। अगर यही कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो जाता, मान लो जैसे यही है वन टू और थ्री है, इसमें पूछे आपसे नंबर ऑफ स्क्वायर बताओ, ठीक, तो क्या करोगे, वर्ग की संख्या बताओ, तब इसमें गिनोगे, पहले तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ ये तो काउंट कर लोगे, उसके बाद से जो दो से बनेगा, जैसे ये बन रहा है एक, फिर यहां एक बन रहा है, तो ऐसे फिर ऐसे यहां पे एक बन रहा है, तो ऐसे काउंट करने में अगर कोई मिस्टेक हो गई तो आपका आंसर नहीं है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन दिए होते हैं इतने पास पास ऑप्शन दिए होते हैं कि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो तुरंत वही मार के चले आओगे। अगर एक मिस हो गया कोई भी काउंट करने में तो इसका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। तो उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक क्या है आपका, कि जैसे अब इसमें है सिंपल सा, तो इसमें क्या करो, इसकी नंबरिंग कर दो रो और कॉलम की, ठीक है। अब यहां पे जैसे ये है उसका स्क्वायर कर दो, वन का स्क्वायर और टू का स्क्वायर, ठीक, तो इसमें प्लस कर दोगे दोनों को, तो दो का स्क्वायर क्या होता है चार, और एक का स्क्वायर एक ही होता है, दोनों को प्लस कर दो तो चार एक पांच, तो ये जो देगा वो क्या देता है, टोटल आपका स्क्वायर देता है इस फिगर में कितना होगा, ठीक। तो ऐसे भी गिनोगे तो पांच ही आएगा, एक दो तीन चार और एक बड़ा वाला पांच, ठीक। तो ये आपका इसमें आपको स्क्वायर निकालने के लिए आसान सा फंडा है कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है, चलो देख लेते हैं। और मैं बता दे रहा हूं इसमें,
जैसे एक एग्जांपल और ले ले रहा हूं आप लोगों के लिए, ये है, इसमें नंबरिंग कर दो, ये तीन कॉलम है और तीन ही आपके रो है, ठीक है, पहले टाइप का है ये, तीन रो तीन कॉलम है तो आपके। अब इसमें आपसे पूछे कि कितने स्क्वायर हैं, तो कुछ ना करो, ये आपके जो रो दिख रहे हैं इनका स्क्वायर कर दो, तो ये वन का स्क्वायर, ये टू का स्क्वायर, ये थ्री का स्क्वायर कर दो इसका, ठीक, और इसका स्क्वायर करने के बाद सभी का जोड़ दो, तो ये वन होगा, ये फोर होगा, ये थ्री का स्क्वायर नौ होगा, ठीक, तो नौ चार तेरह, एक चौदह, तो इसमें कितने होंगे संख्या स्क्वायर की, चौदह होगी, ठीक। तो ऐसा कितना भी बड़ा फिगर आ जाए आपसे और m इंटू m का मैट्रिक्स हो आपका, कि रो और कॉलम बराबर हो, कितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो, ठीक है, ये m आपका रो कॉलम हो गया और m रोज दोनों अगर बराबर हैं, रो और कॉलम बराबर हैं, m इंटू n की जो भी मैट्रिक्स हो जहां रो और कॉलम बराबर हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबका आपका ये रो है उस पर स्क्वायर कर दो, ठीक। उसके बाद से इसका जो दूसरा टाइप होता है वो कौन सा टाइप होता है, वो टाइप टू होगा। उस टाइप में आपको रो और कॉलम बराबर नहीं होगा, जैसे टाइप टू है, इसमें मैट्रिक्स में आपके रो और कॉलम जो हैं वो बराबर नहीं होंगे, तब आपको स्क्वायर कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके सामने, देखो, ठीक है, यहां क्या है आपके पास, तीन कॉलम है और दो रो हैं, एक और दो, दो रो हैं, तीन कॉलम है। अब यहां आपसे बोल दिया जाए कि स्क्वायर निकालना है, तो आप वो फंडा मत करना कि रो का जो है नंबरिंग उसका स्क्वायर करके जोड़ देना। इसमें आपको क्या करना है कि जो यहां से गए रो में, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, दो है, और कॉलम में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, तीन है, तो क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, दो और तीन का मल्टीप्लाई कर दो, टू इंटू थ्री, ठीक। उसके बाद से क्या करो, एक इससे कम करो, तो दो से एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा, वन, वन आ जाएगा, और तीन से एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा, दो, ठीक। तो यहां इसका लिखते जाओ, थ्री टू जा सिक्स, और ये दो एक कम दो, ठीक है। उसके बाद जैसे इससे एक कम करोगे तो यहां तो जीरो आ जाएगा, और इससे एक कम करोगे तो वन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो ही देगा, तो हमें वहां तक नहीं करना है, हमें वहीं तक करना है कि जब हम इनका रो में लास्ट में आए, और जो भी लास्ट आपका डिजिट हो उसको, और लास्ट आपका कॉलम का जो डिजिट हो मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद से उसमें से एक एक माइनस करो, और माइनस तब तक करो जब तक उनमें से कोई एक वन ना हो जाए, उसके बाद से तो वो जीरो हो जाएगा, तो आगे हम नहीं करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, ये छह होगा और दो एक कम दो, ये दो होगा, तो ये दोनों को ऐड कर दो, छह दो आठ, ठीक है। तो इसमें जो होगा आपका स्क्वायर की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, आठ होगी। तो जब भी आपका ऐसा आ जाए फिगर जिसमें रो और कॉलम बराबर ना हो, जैसे यहां पे कितने थे रो, रो दो था और कॉलम कितना था, तीन था, तो ये बराबर तो है नहीं, दो और तीन तो इक्वल है नहीं, तो जब भी ऐसा फिगर आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, उनमें से लास्ट का रो वाला पकड़ो और लास्ट का कॉलम वाला पकड़ो, उसे मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें से माइनस करते चले जाओ, उसका आंसर निकालो। चलो एक और देख लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल टाइप टू का मैं बता दे रहा हूं आपको, उसके बाद से हम क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एक दो तीन चार, एक दो तीन। अब इसमें क्या है, आपके पास जो रो है वो कितनी है, तीन है, और कॉलम कितनी है आपके पास, चार है, तो बराबर तो हुए नहीं। जब बराबर नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, रो के लास्ट जाना है और कॉलम का लास्ट जाना है, ठीक है। रो का लास्ट और कॉलम का लास्ट क्या है, थ्री और फोर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, थ्री इंटू फोर कर दो, चार तीन बारह, उसके बाद से इसमें से एक माइनस करो, तो ये दो, इसमें से एक माइनस करो तीन, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, छह, फिर इसमें से एक माइनस कर दो एक, इसमें से एक माइनस कर दो दो, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, दो। अब इससे बात तो करोगे नहीं क्योंकि यहां पे जीरो आ जाएगा, तो बस इसको ऐड कर लो सभी को, छह दो आठ और बारह आठ बीस, ठीक, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ स्क्वायर इस फिगर में।
4 इंटू 3 की मैट्रिक्स वाले में नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, जो आपका आएगा वो 20 होगा। ठीक है, तो ये आसान तरीका है आपको निकालने का, जब मैंने दो टाइप बता दिया और इसी दो टाइप पे ही आपका सवाल जो एग्जाम में आपसे पूछेगा। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है आपको, सभी लोग इसका कमेंट कर देना आंसर कि क्या होगा इसका आंसर। सिंपल है, किस पे है बेसिस पे, ये टाइप वन पे है। ये किस पे है क्वेश्चन, टाइप वन पे, आपको जो मैंने बताया था कि जहां आपका रो इक्वल टू कॉलम हो, जहां रो और कॉलम दोनों बराबर हो। तो मैंने जो फंडा बताया आपको कैलकुलेट करके आंसर कमेंट करिए। देखिए इसमें क्या है, पहले नंबरिंग कर दो, कितने रो कॉलम है, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, 4 आपके कॉलम होंगे, रो कितने हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक, सेम है, 4 रो 4 कॉलम है, पहला टाइप बन गया। अब आपको करना क्या है, स्क्वायर कर दो, जो रो साइड है आपकी जो नंबरिंग उसका स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, इसकी स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, तो यहां से देख लो, 9, 1, 10 सबको जोड़ लो, सभी को प्लस कर लो, 9, 1, 10, 10, 4, 14 और 14 और 16 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 30 हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, इसमें 30 होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, मैंने बता दिया जब भी रो और कॉलम बराबर हो तो आप रो वाले को पकड़ो, उसका सभी का नंबरिंग जो किए हो उसका स्क्वायर कर दो। जैसे ये 4 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1, उसके बाद सबको जोड़ दो, जोड़ने पे क्या आया, 30, तो आंसर हो जाएगा 30 आपका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आपको आंसर कमेंट करना है। आपको ये फिगर दिख रहा है कुछ ऐसा, देखिए इस फिगर में क्या है कि आपको पहले ये फिगर था, इस फिगर को जो भी आपके पास कॉम्प्लिकेटेड फिगर है उसे सिंपल में तोड़ो। इसमें क्या क्या फिगर दिख रहा है, पहले आपको ये दिखा प्लस वाला साइन। तो जब भी आपके पास प्लस वाला साइन आएगा किसी स्क्वायर में, अगर आपके अंदर यहां प्लस ऐसे बन रहा हो तो उसमें कितना होता है स्क्वायर, पहले ही बताया था कि 1 का स्क्वायर ये और 2 का स्क्वायर ये, तो दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो जब भी प्लस वाला आपके आए तो याद रहना चाहिए एकदम मुजवाने की 5 होते हैं उसमें स्क्वायर। तो देखो ये भी फिगर ऐसा ही है, इसमें बाद में ये बना है, ये वाला जो लाइन है आपकी बाद में बनी है, कलर में दूसरा ले ले रहा हूं, ये जो लाइन है आपकी बाद में इसके अंदर बनाई गई है। ठीक है, तो पहले ये था, तो इसमें कितने होंगे स्क्वायर, 5 होंगे। ठीक है, उसके बाद जिससे ये कंबाइन हुआ, इससे ये कंबाइन हुआ, इससे ये कंबाइन हुआ, इससे ये कंबाइन हुआ, तो ये भी एक स्क्वायर बन गया अंदर ही, तो एक ये हो गया, तो टोटल इस फिगर में कितने हुए, 6। तो जब भी आपको ऐसा फिगर कहीं आए तो आप डायरेक्ट याद रखना कि प्लस अगर ऐसा है तो इसमें टोटल देगा 5, और इसी पे अगर ऐसे बन गया है फिगर तो वो कितना दे देगा हमें स्क्वायर, 6 दे देगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, कि एक तो 5 ये और ये 6, तो इसमें आपका 6 नहीं है, यहां ऑप्शन डी सही कर लो, यहां 6 होगा। ठीक है, ऑप्शन डी पे 6 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, इसका आंसर कमेंट करिए सभी लोग। बोल रहा है इसमें भी आपको स्क्वायर ही पता करना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होगा। फिगर आपका क्या है, एक बड़ा सा स्क्वायर है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, और वो प्लस वाली साइन जो मैंने बताया वो सब में कट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आप सभी लोग जाने, अभी जब मैंने बताया इससे पिछला वाला केस, जब आपके पास स्क्वायर है उसके अंदर अगर प्लस साइन है तो ये कितना स्क्वायर देता है, 5 देता है, 1, 2, 3, 4, एक बड़ा वाला 5 होता है। अगर इसी में एक और स्क्वायर में ड्रा कर दूं, छोटा छोटा करके करोगे तो आंसर तुरंत आता चला जाएगा, तोड़ तोड़ के फिगर को करोगे तो। ठीक, एक और कर दूं तो इसके वजह से भी 5 आ जाएगा, ओके। उसके बाद एक और कर दें इसी में, तो इसमें भी इसी की वजह से एक 5 और आ जाएगा,
ठीक है। तो कितने हैं इसमें ऐसे, देखो एक तो ये 5 देगा, एक ये 5 देगा, और एक ये बड़ा वाला आपका है ही, उसमें 5 तो हो गए ही होंगे। तो कितने हो गए, 5 5 10 5 3 15। तो सिंपल है, आपको गिनने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या होगा आंसर, सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको नंबर ऑफ स्क्वायर ही बताना है। फिगर देखिए कैसा है, फिगर सेम वैसे ही है, बस उसमें आगे और भी जोड़ दिया गया। फिगर आपका क्या होता है कि सिंपल ही होता है, उसमें क्या होता है कंस्ट्रक्ट करके उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था कि आप पहली नजर में देखो तो उसका आंसर ना निकाल पाओ। ठीक, देखो जैसे इसे मैं तोड़ू तो ये पहले आपका फिगर ऐसा कुछ था, ये रहा होगा ठीक, 5 वाला जिसमें 5 स्क्वायर मिलता है, यही इसका बेस स्ट्रक्चर है। ठीक, उसके बाद से क्या हुआ है इसमें कि एक और डाल दिया गया है इसके अंदर स्क्वायर, ये लो भाई। तो जानते हो इससे तो 5 मिलेगा, उसी तरह इससे भी हमें 5 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है कि और कुछ नहीं किया उसको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, यहां से ऐसे लाइन खींच दिया है, डायगनल बना दिया है इनमें। तो इससे तो कोई स्क्वायर बनेगा नहीं। देखो इससे जो है, अगर आपका ये फिगर मैं बना लूं ऐसे, दोनों डायगनल बना लूं और दोनों की स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, जब तक हम इसमें अंदर प्लस साइन ना बना दे। ठीक है, प्लस साइन जब बनाएंगे तभी हमारा एक स्क्वायर ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो ये जो लाइन खींची गई है इसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास मिला क्या, 5 इससे मिल गया बाहर वाले से आपका स्क्वायर, और 5 इस अंदर वाले से मिल गया, तो टोटल हमारे पास कितना हुआ, 10। इसी फिगर में आपसे ट्रायंगल पूछेगा तो मैं ट्रायंगल वाले में आपको जिक्र करूंगा कि इसका ट्रायंगल कैसे निकालना है। सेम फिगर रहेगा, जैसे आपसे यहां स्क्वायर पूछा तो ट्रायंगल पूछ लेगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक ही फिगर दे देगा, आपको स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों निकालना होगा। तो अभी हमें क्या निकालना है, सिर्फ स्क्वायर निकालना है। जब मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इसी फिगर में ट्रायंगल निकालना आपको बताऊंगा। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 10 होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन आसान आसान है, स्क्वायर निकालना है आपको, ज्यादा टफ नहीं है। इसमें पहले देख लो कि ये फिगर कैसा है, उसके बाद से इसमें देखो दो फिगर, एक के अंदर एक है। इसे पहले अगर तोड़ोगे छोटे फिगर में तो एक फिगर तो ये बनेगा कुछ, देखो यहां से एक आया है, एक ऐसे आया है, और एक ये गया है, एक यूं गया है। तो बड़ा वाला मैं देखूं तो एक ऐसा है, एक फिगर आपका ऐसा है, अगर बड़े वाले को ले रहे हो तो सेम है कंडीशन। तो इसमें मैंने बताया ये क्या, 1 2 3, 1 2 3, रो और कॉलम क्या है, सेम है। तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 4 13 1 14, इसमें कितना होगा स्क्वायर, 14 होगा। उसी हिसाब से ये बाहर वाले का लिए, अगर हम उसी का ये बाहर अंदर वाला माने तो अंदर वाले में भी तो सेम उसी तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है। अंदर वाले में भी तो 1 2 3 आपका कॉलम है, और 1 2 ये 3 क्या है, रो है। ठीक, तो सेम चीज उसमें भी बन रहा है, तो इसका मतलब 14 इसमें और बनेगा, इस वाले से भी 14 बनेगा स्क्वायर हमारे पास। जब भाई बाहर वाले से 14 बना तो अंदर वाला भी वही स्ट्रक्चर है तो उससे भी 14 बनेगा। तो हम तुम बोलोगे सर 14 प्लस 14 28 होगा, नहीं 28 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो ये बीच वाला स्क्वायर है ये जो है ना दो बार काउंट हो गया, क्योंकि जब ये बड़ा वाला काउंट किए तो देखो ये बीच में आ रहा है। ठीक, उसी तरह इसमें एक और ऐसे बना दोगे तो सेम चीज ये बीच वाला आपका फिर से काउंट हो जाएगा। तो एक बार ये ज्यादा काउंट हो गया है तो इसमें से क्या करोगे, एक माइनस कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, 28 में से एक माइनस कर दोगे तो 27। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी। अगर वैसे आपको करना होता तो एक एक गिनते रह जाओगे। सिंपल सा है, पहले फिगर देखो कि हाँ ये फिगर कैसा है। तो पहले मुझे पता चला ये फिगर जो आपका 3x3 का मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे बना हुआ है, तो मैंने बना लिया कि एक में अगर 3x इसमें 3x3 है तो सेम चीज इसमें भी 3x3 का है, तो इसमें 14 होगा तो इसमें भी 14 होगा, तो 28। मगर ये चीज ध्यान रखना है कि बीच वाला जो हमारा ये स्क्वायर है, ये जो भी स्क्वायर है मैं इसे कलर कर दे रहा हूं, ये दो बार काउंट किया गया है, तो इसलिए इसको एक बार माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, का इसमें भी आपको आंसर बताना है कि दिए गए चित्र में वर्ग कितने हैं। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने बाय कितने का मैट्रिक्स लिख लो यहां पे, एक रो हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम या चौथा कॉलम, ये आपका पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो,
कितने हैं? सेम है, रो और कॉलम बराबर है आपका। इसमें सिर्फ बीच में एक और ऐसे डाल दिया गया आपका प्लस साइन वाला, बीच में ये प्लस साइन वाला डाल दिया गया है। तो बस कुछ नहीं करना, पहले तो आप बड़े वाले का स्क्वायर निकालो कि इसमें 4x4 की मैट्रिक्स में कितने आपके स्क्वायर होंगे। तो सिंपल सा है, मैंने क्या बताया था, इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा भैया, 1, ये आपका 4, ये आपका 9, ये आपका 16। ठीक, तो यहां कितना हो जाएगा, 9, 4, 13, 14 और 16 आपका 30। ठीक है, तो ये हो गया 30। तो इसमें इसका पूरा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 30। मगर बीच में और है, ये देखो, तो इसमें कितना होता है, 5 मैंने बताया, इसमें कितना होता है, 5 होता है। तो ये भी तो जोड़ोगे, इसे हटाओगे तो है नहीं। और ये मत सोचना कि ये काउंट हुआ, ये बीच में बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, एक बड़ा वाला 5। ठीक, तो 5 इसका और 5 इसका, 10 और जोड़ दो इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 और 10, 40। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होते हैं फिगर। इसी में आपको कहीं कहीं ऐसा मिल जाएगा कि ये फिगर है आपका दिया गया है। ठीक है, और यहां पे बना देगा, फिर यहां पे बना देगा आपका एक, फिर यहां पे बना देगा, फिर यहां पे बना देगा और बोलेगा कि इसमें आपका क्या नंबर ऑफ स्क्वायर बताओ। ठीक, तो इसे आप लोग कमेंट के करके बताना कि इस फिगर में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ वैसा ही, इसमें क्या है आपका, एक तो एक पूरा बड़ा वाला है ये, ठीक है, आपका 2x2 का मैट्रिक्स है बड़ा वाला, उसके अंदर आपके एक है, फिर उसके अंदर एक स्क्वायर है, फिर उसके अंदर है। अब उसे कैसे करना है, अभी जब मैंने आपको प्रीवियस में बताया एक क्वेश्चन था ऐसा, देखो प्लस वाला जब भी आपके पास स्क्वायर हो तो ये कितना देता है आपके पास, 5 स्क्वायर देता है। जब उसी में ये कंबाइन हो जाता है ऐसे 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 और ऐसे, तो ये कितना देता है, 6 देता है। तो देखो ये अंदर ही वाला, ये वाला जो है आपका, ये कितना देगा, 6 देगा। तो 6 यहां से मिलेगा, 6 हमें यहां से मिलेगा और यहां से भी 6 मिलेगा। तो कितने हो जाएंगे, ये 6 वाले 4 हैं, तो 24 तो ये हो गया आपका। ठीक, 24 ये हो गया। उसके बाद ये सिंगल एक का आपका स्क्वायर बनेगा, देखो ये सिंगल एक स्क्वायर, उसी तरह इसमें भी एक सिंगल ऐसे ही स्क्वायर है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 सबके ऊपर है, तो 4 ये भी है, तो 24, 4, 28 तक पहुंच गए हम। उसके बाद से आपका कुछ बचा नहीं, आपका सिंपल सा आपका क्या मिल रहा है, ये वाला है सबसे एकदम बाहर, उसके अंदर में सब में ऐसे ऐसे बने हैं, तो अंदर वाला तो मैंने सबका काउंट ही कर लिया, अब सिर्फ बाहर वाला स्ट्रक्चर बचा आपका प्लस वाला ऐसे। ठीक, तो इसमें कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं। तो अब बाहर वाले में देखें, तो एक तो ये पूरा 1, 2, 3, 4, एक बड़ा वाला 5, तो 5 और इसमें जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा, 8, 5, 13, तो ये कितना हो जाएगा, 33 आपका इसमें स्क्वायर हो जाएगा टोटल। ठीक, तो इसमें क्या किए, इसमें हम देखें कि पहले हम जो पढ़े अभी बताया, इससे पहला दूसरा क्वेश्चन था शायद आपका, उसमें क्या था कि जब भी आपका प्लस वाला साइन हो और उसमें ऐसे कुछ ज्वाइन हो तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होते हैं, 6। तो ऐसे कितने इसमें दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, तो 24 वो हो गया। उसके ऊपर एक एक स्क्वायर है तो चारों में है, तो 4 उसको जोड़ लिए तो 28 हो गया। उसके बाद से आपका ये बड़ा वाला प्लस साइन के साथ बन रहा है, देखो सेम यही वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसमें कितने होते, 5, तो 28 और 5 जोड़ लिए तो कितना हो गया, 33। ठीक, तो सबको तोड़ तोड़ के करो, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अब इसे देखो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या, जो जो मैंने आप बताया कि क्या किससे 6 होता है, किसमें 5 होता है, वही हर एक बॉक्स में बना दिया है। तो आपको पहले देखना क्या है इसमें कि कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, ये 1, 2, 3, 4, 5 कितने हैं इसमें आपके, कॉलम 5 है और आपका ये कितना है रो, ये भी 5 है। तो पहला काम क्या होना चाहिए, पहले तो बड़े वाले में ही गिन लो कि कितना टोटल, ये 5x5 के मैट्रिक्स में टोटल आपका कितना क्या स्क्वायर बनेगा। तो 4x4 में कितना बनता है, 4 बाई
जब 4x4 होता है तो उसमें कितना बनता है, जब याद कर लिया करो, ये 1 का स्क्वायर है तो 1 होगा, ये इसमें 4 होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा तो ये 9 होगा, ये 16 होगा। तो यहाँ पे जब तक थे तो 9 4 13 14 16 30 होता था, और 30 और 5 का स्क्वायर और जोड़ ले इसमें, 30 और 25, तो कितना हो जाएगा 5 55। तो 5x5 में कितना बनेगा आपका, 55 बनेगा स्क्वायर। तो इसमें अभी तक मैंने 55 निकाल लिया, अगर इन सबको ना गिने तो, ये जो आपके और 4 बन रहे हैं इसमें जो बन रहे हैं, तो अभी ओवरऑल 5x5 के मैट्रिक्स में हमारा कितना आ गया स्क्वायर, 55 आ गया है। अब हमें क्या करना है, जो आपके ये बीच बीच में है ऐसे बने हुए हैं आपके डिजाइन, उनको देख लेना है कि उसमें क्या होगा। तो इसको देख लेते हैं। अब जैसे पहले वाले में जो बॉक्स में कैसा फिगर बना है, पहले वाले बॉक्स के फिगर में कुछ ऐसा बना है आपका प्लस वाला साइन वाला, और ऐसे जो मैंने आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन पे कराया था ऐसे, तो इसमें कितने होते हैं स्क्वायर, 6 होते हैं, क्योंकि आपके प्लस वाले में कितने होते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5, और एक ऐसे आपका जो ये ज्वाइन करके बनेगा ये भी तो स्क्वायर ही बनेगा, तो इसमें टोटल 6 होते हैं, 6 होते हैं। तो अब इसमें 6 मत जोड़ देना कि 55 है तो इसके 6 इसके 6 इसके 6 इसके 6 और इसके 6, क्योंकि उसमें आपका जो ये वाला बॉक्स है जिसके अंदर ये बना है, ये बड़ा वाला बॉक्स, ये ठीक है, ये बड़ा वाला बॉक्स आपका जिसमें अंदर वो बना है ऐसे प्लस साइन, ये एक बार गिना जा चुका है, मतलब ये वाला जो बॉक्स है आपका इसमें गिना जा चुका है, जब ये 55 मैंने लिखा उसमें ये काउंट हो चुके हैं सभी आपके, ये भी काउंट हो गया है, ये भी काउंट हो गया है, ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया है, सिर्फ उसके अंदर का ये जैसे ये वाला स्क्वायर, ठीक है, ये मैं कलर कर दूं, ये वाला स्क्वायर काउंट नहीं हुआ, ये वाला स्क्वायर काउंट नहीं हुआ, ये वाला स्क्वायर काउंट नहीं हुआ है, ठीक, तो उसे हमें काउंट करना है, ठीक, ये तो हमारा काउंट हो चुका है। तो अगर ये काउंट हो चुका है तो इसका मतलब जब 6 बनते थे तो एक उसमें से कम कर दें हम तो 5 होगा, तो सब में 5 5 बनेगा, क्योंकि एक बॉक्स तो ऊपर वाला ही होता है। तो ये एक कैसे इसके डिजाइन है, कितने, एक ये है, 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक, टोटल 5 है, तो 5 मतलब इसके कितने, 5 बनेंगे तो 25 हो जाएंगे, ये तो 25 और जोड़ लो, ठीक, तो कितने थे, 55 प्लस 25, ठीक, 5 5 10, ये आपका हो गया 80। अब देख लेते हैं आगे, अब देख लेते हैं इसको, इस वाले में क्या होता है, जब सिंपल प्लस साइन होता है ऐसे, जब स्क्वायर के अंदर ऐसे प्लस साइन होता है तो कितना मिलता है आपको, 5 मिलता है, मगर यहां पे मैंने बता दिया कि ये वाली जो है स्क्वायर है आपका गिना जा चुका है इसमें, तो सिर्फ इसमें हम काउंट कितना करेंगे, 4, एक ये एक्स्ट्रा हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो 4 हुए एक्स्ट्रा, तो इन 4 एक बॉक्स में मिल रहा है, तो ऐसे कितने हैं, 1 2 3 और आपका 4, ठीक है, 1 2 3 और 4 हैं ऐसे, तो इस पे 4 हैं, सब में कितना मिल रहा है, इसमें 4 मिल रहा है, तो 16 और ले लो इसके, ठीक, तो 16 इसके हो गए, तो 16 और जोड़ दो इसमें, तो 6 ये हो जाएगा और 8 1 9 ये हो जाएगा 96, मतलब एक तो आया 55 आपका, एक आया 5 वाला जो है वो 25, और एक आया कितना, ये 16, तो इन सबको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 96, क्योंकि अब उसके बाद तो कोई स्ट्रक्चर है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने इसमें स्क्वायर है, 96 है। वैसे गिनते तब तो गिनते रह जाते, अब पता था कि हमें करना क्या है, 5x5 का मैट्रिक्स है, तो पहले 5x5 वाले में नंबर ऑफ स्क्वायर निकाल लें, तो कितना आ गया भाई, 55 आ गया। उसके बाद से जो ये है ये हमें 6 देता है, तो ये नहीं कि 6 है तो 5 है तो 30 जोड़ लो, ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें एक पहला वाला आपका काउंट हो चुका है, ठीक, जब हम 5x5 का मैट्रिक्स किए तो उसमें हमारा ये वाला पहले से काउंट हो गया, तो उसके अंदर जो है जैसे ये वाला पूरा पार्ट, ये और ये और ये किए वाला स्क्वायर, ये नहीं काउंट हुआ तो उसमें हमें गिनेंगे, तो कितने हैं, 5 बनेंगे, और कितने ऐसे फिगर हैं, 5 हैं तो 25 हो गए। उसी तरह ये प्लस वाले कितने हैं, 4 बनेंगे, तो कैसे इतने फिगर हैं, कितने फिगर हैं, 4 हैं, तो आपके कितने होंगे, 16 हो जाएंगे, सबको जोड़ दो तो आ गया कितना, 96। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखो, इसमें भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपका कितने बाय कितने का मैट्रिक्स दिया है, ये देख लो, 1 2 3 4 इधर देख लो, 1 2 3 4
ठीक, तो रो और कॉलम बराबर है, जब 4x4 का हो तो आपका क्या कितने बनते हैं स्क्वायर, याद हो जाना चाहिए। इतना क्वेश्चन कर लिए 4x4 पे कि कितने होते हैं इसमें, 30 होते हैं स्क्वायर। ठीक, क्योंकि करना क्या आपको, इसका स्क्वायर तो एक, इसका स्क्वायर तो चार, इसका स्क्वायर तो आपका कितना 9, और इसका स्क्वायर तो 16, तो 9 4 13 14 और 16 30 होता है। तो 30 आपका तो इस मैट्रिक्स से 4x4 के बन जाएंगे। बाकी आपका एक जो ये है, ये देख रहे हो अंदर जो बना है, एक ये बन जाएगा एक्स्ट्रा स्क्वायर आपका, तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। ठीक, एक ही जो है एक्स्ट्रा हमें मिलेगा, बाकी सिंपल है। अगला क्वेश्चन ये देख लो भाई, इसमें आपके इस क्वेश्चन में आपका ट्रेंगल और स्क्वायर दोनों पूछ लेता है। तो अभी तो हम इस फिगर में यहाँ पे हम आपका स्क्वायर निकालना बता रहे हैं, जब ट्रेंगल वाला करेंगे तो इसमें ट्रेंगल भी बता देंगे आपको। अब देख लो इसमें क्या है स्क्वायर, एक तो पहले इसमें देख लो ये जो आपका बन रहा है कि कितने होंगे मैट्रिक्स, ये कितने का 1 2 3 1 2 3। ठीक, तो इसमें कितने बनते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14। तो 3x3 के मैट्रिक्स में कितना बनता है स्क्वायर, 14 बनता है। तो 14 तो इस फिगर में हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, उसके बाद तो बाहरी कितने हैं, 14 के बाद ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, उसके बाद कोई बन रहा है, कोई नहीं बनेगा। इससे मत कंफ्यूज होना, ये जो आपका डायगोनल खींचा गया इससे कोई स्क्वायर आपका नया नहीं बन रहा है। तो कितना बन रहा है टोटल, 18 बन रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, ये पहले जब देखोगे इस क्वेश्चन को तो कहोगे यार बहुत टफ है, इसे छोड़ दो, क्योंकि इसमें जब एक बेस उठा लोगे उसके हिसाब से करोगे ना तो आंसर इसका तुरंत आ जाएगा, पता चल जाएगा कि इसमें है क्या, लगा क्या है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि फिगर को तोड़ तोड़ के करो तो आंसर आपका तुरंत निकल जाएगा। देखो इस फिगर में है क्या आपका, पहले बाहर वाला फिगर देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से आपका इसके अंदर एक प्लस साइन है ऐसे, ठीक, उसके बाद आपको ये कनेक्ट किया गया है। तो जब ऐसा बनता है तो मैंने कितना बताया कि कितने स्क्वायर बनते हैं, 6 बनते हैं, क्योंकि 5 वैसे प्लस साइन में और एक ये बन गया 6, ठीक है। तो अब जान गए 6 ये हो गया, अब उसके अंदर क्या किया गया है, एक ऐसे और बना दिया गया स्क्वायर ऐसे करके। तो अब इसमें इस वाले फिगर में कितने बन जाते हैं स्क्वायर, 5 बनते हैं, तो इसमें इसके वजह से कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद भी देखो उसमें एक और है, ये लो ऐसे, तो एक और बन जाएगा ना इसमें 6, ये भी 6 देगा। जैसे ये वाला 6 दिया वैसे ही आपका, जैसे इसमें अंदर एक बनाया उसके बाद से फिर से ये एक बन गया है अंदर ही, तो 6 होगा। उसके बाद आपका क्या है कि फिर से उसी में एक आपका बना हुआ है, तो वो कितना देगा, वो भी 5 देगा। तो 6 6 12 12 5 17, तो टोटल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। देखो समझ में नहीं आया तो एक बार और मैं बता दे रहा हूं कि आपका एक बाहर वाला फिगर है ऐसा कुछ, इस वाले फिगर में ऐसे है, ऐसे मैंने फिगर में बताया था आपसे, क्वेश्चन भी कराया दूसरा नंबर, इसमें कितने स्क्वायर होते हैं, 6 होते हैं। अब क्या करते हैं इसमें एक और बढ़ा लेते हैं, देखो ऐसे यहां से इसे ज्वाइन कर दो, यहां से इसे ज्वाइन कर दो, यहां से इसे ज्वाइन कर दो, ठीक। तो आपका क्या बना, एक और ऐसे फिगर बन गया, तो इसमें कितने बनते हैं, 5, तो लो भैया 5 इसका लिख लिए। उसके बाद एक और स्क्वायर इसी में ऐसे तैयार हो गया बन के, तो इसे भी उसी में ऐड कर लो, तो ये 5 एक और एक 6 हो गया। उसके बाद इसी में फिर एक ऐसे अंदर बना गया है ऐसे, ये लो, तो इससे कितना बनेगा, फिर 5 बनेगा। अब उसके आगे नहीं बढ़ा है, तो 6 ये 6 ये और 5 ये, तो 12 5 17, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा है तो आप जान लो कि इसके अंदर ये है, तो ये इसमें से 6 मिल गया, इसके वजह से 6 मिल गया, और इसके वजह से 5 मिल गया, तो 12 5 17, तुरंत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुरंत याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, तो आज जो है आपका ये आज का जैकपॉट क्वेश्चन है,
इसको आपको बताना, मैं जूम कर दे रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा, इसमें कितने आपके स्क्वायर होंगे, कितने वर्ग होंगे। सिंपल सा फिगर है, बहुत कायदे से गिनना, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, किसी का आपका आंसर जो है अलग अलग आए, क्योंकि ये मैं बताया कि ऑप्शन जो आपका सेट है एकदम आस पास सेट है, तो सही से गिनना कि इसका आंसर क्या आएगा, और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा स्क्वायर। अगले जो सेशन में हम बात करेंगे वो आपका रेक्टेंगल और ट्रेंगल को लेकर मैं काउंटिंग का जो ट्रिक है वो बताऊंगा। तो ध्यान से सभी लोग इसका आंसर कमेंट करना।